हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SH Fun इंडिया। आज अब हम जा रहे हैं जोरहाट से मौजोली आइलैंड के लिए। आपने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग बोट पे आ गए हैं, अब जा रहे हैं यहाँ से मौजोली आइलैंड। ये है ब्रह्मपुत्र नदी और इसमें कई सारी नदियाँ आकर मिलती हैं और इसी के बीचों बीच है मौजोली आइलैंड। और आपको बता दें कि मौजोली आइलैंड विश्व का यानी दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला आइलैंड है, लेकिन बार बार ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने से ये आइलैंड धीरे धीरे इसका साइज छोटा होता जा रहा है और ये धीरे धीरे अस्तित्व इसका ख़त्म हो सकता है। तो आप एक बार तो ज़रूर आइएगा मौजोली आइलैंड और यहाँ की कल्चर और खूबसूरती ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मौजोली आइलैंड। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए बोट से आ गए। आज यहाँ गर्मी बहुत है, वैसे तो यहाँ ठंडा रहता है बट आज गर्मी है लग रहा है। वेलकम टू मौजोली। यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक आइलैंड है, ये जैसे एक छोटा सा शहर लग रहा था। यहाँ पे हर घर और दुकानें सब बैम्बू की स्टिक से बनी हुई थी, तो ये अपने आप में एक यूनिक और अलग एक्सपीरियंस था। तो हम लोग यहाँ स्टे करेंगे, ये हाउस है, खाते हैं आपको। इसमें अच्छा रूम बना हुआ है, ये पूरा बैम्बू का है और ये पूरा सिटिंग एरिया है। ये ठीक ठाक अरेंजमेंट अच्छी की हुई है। अंधेरा है यहाँ पे, देखिए नेट भी लगा है मॉस्किटोज को बचाने के लिए। दो बेड हैं इस तरह से, टेबल है, मिरर भी है, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं। और ये आई थिंक वॉशरूम है, तो ठीक है, बढ़िया बना हुआ है, ये अच्छा जगह है, ये एरिया परफेक्ट है सिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टे करेंगे। ये है हमारे कॉटेज के बाहर का एरिया और यहाँ पे इसी तरह से छोटे छोटे घर बने हुए हैं, बैम्बू के कॉटेज हैं जिसमें आप स्टे कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, जो यहाँ पे अलग अलग मोनेस्ट्रीज हैं उन्हें देखने के लिए। तो अभी सुबह सुबह ही निकले हैं। अब हम आ गए हैं दुखिन पट मोनेस्ट्री। देखिए ये बनी हुई है मोनेस्ट्री, यहाँ चप्पल उतार के पूरे एरिया में करना होगा, घूमना होगा। यहाँ रूल है मोनेस्ट्री का, ये मोनेस्ट्री है दुखी पथ, नाम बड़ा अलग है। कौन सा पंथ है, मतलब दुखिन पथ पंथ का झंडा है ये। हेलो, गुस्सा हो गई।
बेसिकली यहाँ पे वैष्णव संस्कृति की मान्यता ज़्यादा है, यहाँ पे वैष्णव संस्कृति को ही मानते हैं ज़्यादातर लोग। अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएं। यहाँ पे नवंबर के महीने में रासलीला का आयोजन किया जाता है, जिससे आप यहाँ की संस्कृति को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मसाला घुटने के लिए पासम का पहला 300 साल आपको कैप बोलता है आसाम में जाते 300 साल पुरानी है ये कैप। इस मॉनेस्ट्री में एक छोटा सा म्यूजियम भी था, जहाँ पे असम की पुरानी चीज़ें थी, जो मौजुली की पहली बिल्डिंग बता रहे हैं जो ये है आपको दिख रही है। तो इन सारी चीज़ों को रखने के लिए एक म्यूज़ियम भी बनाया जा रहा है। फ़िलहाल अभी सारी चीज़ें इसी छोटी सी हट में हैं। ये पंडित जी सारी चीज़ें हमें दिखा रहे थे एक एक करके। 5 फुट लंबा हाथी का दांत है। ₹3,60,00,000 का ये म्यूजियम बनेगा, जिसमें सारे सामान रखे जाएंगे और यहाँ गाय होते हैं। मॉनेस्ट्री देखते देखते देखिए शाम हो गई, और कितना सुंदर कितना अच्छा सनसेट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट डे हम आपको और भी अलग अलग मॉनेस्ट्री दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।